मॉर्निंग, मैं हूँ एमजे। अभी आपके सामने ये मेरे हाइबिस्कस के कुछ फ्लावर्स अभी बहुत ही खूबसूरत खिल रहे हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का हमारा हाइबिस्कस है, और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा पिंक कलर का डबल हाइब्रिड हाइबिस्कस भी ब्लूम कर रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे चितरक के प्लांट अभी भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। अभी अभी मैंने इसके अंदर वाटरिंग की है। और ये हमारा बटरफ्लाई पी का प्लांट है, और उसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स हो रही है। अभी फ्रेंड्स गर्मियों की सीज़न में हमारे जितने भी गर्मियों के पौधे हैं वो अभी अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये हमारे टिकोमा है, और ये जो टिकोमा है फ्रेंड्स, ये अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, यानी कि ये वीडियो में नहीं, उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं टिकोमा को चेंज करने वाला हूँ। मैंने एक टिकोमा प्लांट परचेज कर लिया है, बाकी दूसरे मेरे टिकोमाज अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरे नए फ्लावरिंग बर्ड्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में इसके ऊपर भी आपको फिर से फ्लावरिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर भी फ्लावरिंग्स हो रहे थे, तो मैंने सारे बर्ड्स इसके कट कर लिए, यानी कि जब फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है तब हमें बर्ड्स को कट कर लेना है, ताकि फिर से न्यू बर्ड्स वगैरह जनरेट हो सके और आपका प्लांट फ्लावरिंग कर सके। तो सेम तरीका हमारे एक्जोरा में भी है। जैसे ही एक्जोरा के फ्लावर्स कुछ ये हिसाब से कम्प्लीट हो जाए तो हमें इसको पिंच कर देना है, या तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको पिंच करेंगे तो दूसरे नए बर्ड्स वगैरह जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब मेंटेनेंस का काम फ्रेंड्स आपको करना ही होगा। अगर आपने प्लांट्स ग्रो किए हैं तो कम से कम दिन का आपको 2 घंटा प्लांट्स के पीछे निकालने ही होंगे, अगर आपने कुछ ये हिसाब से प्लांट ग्रो किए हैं तो। और यहाँ पे हमारे सीडलिंग्स सारे एडेनियम के सीडलिंग्स हैं फ्रेंड्स, सारे सीडलिंग्स अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये हमारे मिर्ची के सीडलिंग्स हैं, वो भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सारे सिल्वर डस्ट के प्लांट हैं। तो सिल्वर डस्ट के रिलेटेड मुझे बहुत सारी कमेंट्स आती है कि आपने सिल्वर डस्ट प्लांट को गर्मियों की सीज़न में कैसे केयर किया ताकि आपका प्लांट इतना अच्छा ग्रो हो रहा है। तो जैसे कि अभी अभी मैंने जैसे वाटरिंग की है, तो वाटरिंग करने के बाद कुछ ये हिसाब से इसके ग्रीन लीव्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स सिल्वर डस्ट को हमें गर्मियों में केयर करने के लिए कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है लोकेशन। तो आप इसको ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करें जहाँ पे हल्की धूप आती हो, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती हो, जैसे कि मॉर्निंग सनलाइट हो या तो दोपहर की सनलाइट आती हो, तो सेमी शेड में रखिए जहाँ पे सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी आती हो और सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर ना गिरे। और हो सके तो मॉर्निंग की सनलाइट आप इसको प्रोवाइड करिए। मॉर्निंग की सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो आराम से वो एक्सेप्ट कर लेगा और इसके लीव्स भी बर्न नहीं होंगे, प्लांट भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स सनलाइट। बाद में फ्रेंड्स हमारे ये प्लांट को वाटरिंग हमें बहुत ही कम देनी है, यानी कि जब भी इसकी मिट्टी टोटली ड्राई हो जाए, बहुत ही कड़क हो जाए, तभी हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है। हमें इसकी मिट्टी को गीला या तो मॉइस्ट नहीं रखना है। अगर आप इसकी मिट्टी को ज़्यादा गीला रखेंगे, ज़्यादा मॉइस्ट रखेंगे, तो बाद में ये प्लांट आपके यहाँ गर्मियों की सीज़न में बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, बहुत ही आसानी से ये मर जाएगा। तो क्योंकि गर्मियों की सीज़न में ऑलरेडी ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि एक्चुअल में ये प्लांट होता है विंटर्स का। विंटर्स में ये प्लांट फुल सन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन गर्मियों की सीज़न में ये प्लांट थोड़े से स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जब भी प्लांट के ऊपर आती है, तब हमें वाटरिंग ज़्यादा करके इसको स्ट्रेस नहीं प्रोवाइड करनी है। हमें बस वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए, यानी कि डेली थोड़ा चेक करते रहिए ये प्लांट को कि इसकी मिट्टी कितनी गीली है, कितनी ड्राई है। अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा ड्राई लगे तो आप तुरंत पानी डाल दें। अब तीसरी टिप ये है फ्रेंड्स कि आप अपने सिल्वर डस्ट के प्लांट के ऊपर जितने भी डैमेज लीव्स हैं कुछ ये हिसाब से आप इसको पिंच कर दें। आप पिंच कर देंगे या तो कटिंग कर लेंगे तो भी चलेगा। और जितने ये हिसाब से फ्रेंड्स नीचे से आप अपने प्लांट को थोड़ा थोड़ा ये हिसाब से इसके लीव्स पिंच कर दें। इससे ये होगा फ्रेंड्स के प्लांट की जो सॉइल होगी, सॉइल के ऊपर सनलाइट गिरेगी, जिसकी वजह से अगर सॉइल के ऊपर फंगस वगैरह लगा होगा वो नहीं लगेगा। और कभी भी डायरेक्ट इसके ऊपर वाटरिंग ना करें, यानी कि लीव्स के ऊपर वाटरिंग ना करें, डायरेक्ट वाटरिंग आप सॉइल के अंदर ही करें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स जिसकी आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए। अब फर्टिलाइज़र की बात आ जाती है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा गर्मियों की सीज़न चल रही है, ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा,
तो जब भी प्लांट स्ट्रेस में रहता है फ्रेंड्स, तो हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स प्लांट को प्रोवाइड नहीं करने हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की हीटनेस क्रिएट होती है सॉइल के अंदर, जो आपके प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस में ला सकती है। तो हमें सिंपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही प्रोवाइड करने हैं, और महीने में सिर्फ एक ही बार। मैं इसके अंदर काउडंग लिक्विड डाल देता हूँ महीने में एक बार, और बाकी के दिन बस कुछ भी नहीं डालता, और ये प्लांट हमारे यहाँ अच्छा खासा ग्रोथ करता रहता है। इसके ऊपर फ्लावरिंग्स जनरली नहीं होते फ्रेंड्स, ये सिर्फ इतनी ब्यूटी अपने लीव्स के लिए है ये प्लांट। तो हमें बस सिंपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करने हैं, हमें कोई भी NPK DAP वगैरह कोई भी फर्टिलाइज़र इसके पीछे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपल कोई भी वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, या तो काउडंग हुआ, या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप मस्टर्ड केक हुआ, लिक्विड काउडंग हुआ, वो सब वगैरह आप कोई भी एक फर्टिलाइज़र महीने में एक बार आप इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा सा डाल दीजिए, अभी ये जैसे कि छोटा पौधा है, तो छोटे पौधे के अंदर मैं 1 से 2 चम्मच जितना वर्मी कॉम्पोस्ट डाल दूंगा महीने में एक बार। और अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो काउडंग लिक्विड को आप 10 लीटर पानी में 1 लीटर काउडंग डाइल्यूट करके आप इसकी सॉइल के अंदर डाल दीजिए, ये प्लांट को इनफ हो जाएगा। और पेस्टिसाइड्स वगैरह रेगुलर इसके ऊपर स्प्रे करते रहिए। फंगीसाइड का आप स्प्रे 15 दिन में एक बार ज़रूर कर लीजिए, और पेस्टिसाइड वैसे तो इसके ऊपर ज़्यादातर इतने पेस्ट लगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप 15 या तो 20 दिन के अंतर में कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं, आपकी अनुकूलता के हिसाब से आप कोई भी पेस्टिसाइड इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन का गैप रखिए। तो बस ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने ये प्लांट की थोड़ी केयर करते रहना है, और ये प्लांट आपके यहाँ समर सीज़न में भी बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। तो जो भी बेसिक टिप्स है फ्रेंड्स ये प्लांट को ग्रो करने के लिए, और जो मैं करता हूँ वही मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसीलिए अभी मेरा प्लांट अभी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहा है, कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही है। तो वो हिसाब से अगर आप अपने प्लांट को भी थोड़ी केयर करते रहेंगे तो आपका ये सिल्वर डस्ट प्लांट भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा ये समर सीज़न में, और पूरे साल चलने वाला पौधा है फ्रेंड्स ये। और ख़ास करके रेनी सीज़न में पूरी इसकी केयर फिर से अलग हो जाएगी, तो रेनी सीज़न में मैं फिर से इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी समर सीज़न चल रही है तो समर सीज़न के हिसाब से मैंने आपको केयर बता दी है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।